This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shahin Group of Institutions, Acharya PU College, KBN University, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School. मालेगाँव का काढ़ा यानी मंसूरा काढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा की अवाम के लिए ये जो बीमारी चल रही है जो इसके शिफा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसकी सेफ्टी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पास काढ़ा है मंसूरा काढ़ा जिसको कहा जा रहा है जड़ी बूटियों से बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में खरादी यूनानी मेडिसिन पहली मर्तबा इसको जो है अवाम की ख्वाहिश पर लाया जा रहा है। आप हजरात इससे इस्तेफादा हासिल करें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक छोटा सा ट्रायल यहाँ पे दे रहे हैं। 2.5 लीटर पानी डाले हैं और इसके अंदर 50 ग्राम ये पूरी जड़ी बूटियों का एक पाउडर इसके अंदर डाला जा रहा है। उसके बाद इसको अच्छा सा पका कर 2 लीटर किया जाएगा उसके बाद ये सब हजरात इसको रोज़ाना सुबह और शाम पीते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे बाहर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ गुलबर्गा में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गोहैश की जो है मेहनत की वजह से गोहैश की तरफ से लोगों की तरफ मायल किया जा रहा है। इसके लिए ये दवाएं जड़ी बूटी में ही ज़्यादा फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकाकर इसको 2 लीटर किया जाएगा, ढाई लीटर को 2 लीटर किया जाएगा। उसके बाद ये जो है ना सुबह और शाम 2 टाइम इससे पीने से अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी खांसी ज़ुकाम बलगम वगैरह सब साफ़ हो जाएगा। और वैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो परेशान है डॉक्टर के पास जाने के लिए डर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए ख़ास ये एक जड़ी बूटी का बना हुआ एक काढ़ा है मंसूरा काढ़े के नाम से, जो मोहम्मदिया कॉलेज मंसूरा का अल्हम्दुलिल्लाह वो गुलबर्गा में भी आप दस्तयाब रहेगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस काढ़े को इस्तेमाल करें और पिएँ और लोगों को पिलाएँ। और एक आदमी के लिए एक चमचा 250 ml पानी में इसको बनाकर रोज़ सुबह और शाम पिए, और बच्चों को 50 ml सुबह और 50 ml शाम पानी में आधा आधा चमचा ये पाउडर डालकर अच्छा पकाएं। ये देखिए पक रहा है, ये देखिए कितना अच्छा पक रहा है। इसको पकने के बाद सुबह और शाम पीते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो बहुत दुनिया में फैल रही है बीमारी, इसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे खरादी यूनानी मेडिसिन इसकी मेहनत कर हमारी टीम पूरी तैयार कर रही है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10-15 हमारे टीम जो है इसको काम कर रही है, जो मंसूरा की मोहम्मदिया कॉलेज की तरफ से जो बनाया जा रहा काढ़ा वो हम गुलबर्गा में भी दस्तयाब कर रहे हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसे फ़ायदा हासिल कर लें और इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसके बारे में बताते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और पी रहे हैं, और इसको पी कर लोग शिफायाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारकुल्लाह जड़ी बूटियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा शिफा रखा है। हाँ, दवाखानों के जो है चक्करों में जाकर लोग परेशान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटी इस्तेमाल करें और इसकी भाप भी लेते रहें और इसको पीते रहें सुबह शाम, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये जो हमारा गुलबर्गा में खरादी यूनानी मेडिसन्स मोमिनपुरा में खुनियाला मस्जिद के बिल्कुल बाजू है, आकर तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसका फ़ायदा हासिल कर लें। ये काढ़ा जो है ये पीते की एकदम मेरे को सांस लेने में एक नंबर दिख रहा है और बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह। आप भी पीते रहो, एक बार ट्राई करो पी के। करादी वाले के पास खुनियाला मस्जिद के पास दुकान है, आके पी के टेस्ट करो, आपको भी मालूम हो जाएगा। आज के इस दौर में पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी चल रही है कोरोना नाम से, पूरे दुनिया के अंदर लोग परेशान हैं और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में भी जो परेशानी चल रही है, लोग अपने आप को किस तरह से बचाएँ ये कोशिशें चल रही हैं। यहाँ गुलबर्गा में खरादी यूनानी मेडिसिन में आपको जो है ना काढ़े का जो है ना तैयार घरेलू नुस्खा आपको मिलेगा। हम यहाँ पर लोगों को सैंपल बनाकर पिलाकर बता रहे हैं कि भाई ये काढ़ा जो है ना हमको सेहत को बचाने के लिए, सेहत को बनाने के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो है ना मंसूरा काढ़ा भी है हमारे पास, मंसूरा मोहम्मदिया कॉलेज मंसूरा का,
और जो है ना मालिकों का भी काढ़ा हमारे पास मिलता है। हम यहाँ पर बनाकर लोगों के सामने सब बताकर फ्री सैंपल टेस्ट करा के बेच रहे हैं। इसके अंदर हम जो है ना नो प्रॉफिट नो लॉस के तौर पर बनाकर 20-20 रुपए में दे रहे हैं। एक जो है ना पैकेट जो है ना एक दिन चल जाता है आपको, 10 अफराद के लिए है, फ़ायदेमंद है, आप इस्तेमाल कीजिए। आइए खरादी यूनानी मेडिसिन में, आप सैंपल भी कीजिए, टेस्ट कीजिए। ये पैकेट है आपके सामने, ये हम बनाए हैं, आप इसको भी घर में बना सकते हैं। ये घरेलू आइटम है, किचन के आइटम है पूरे अंदर। इसके अंदर दालचीनी है, गुड़ है, हल्दी है, काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, ये आइटम है। देखिए लोग जो है ना गुटखे सिगरेट में दुनिया के पैसे डालते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हम थोड़े से पैसे डालेंगे तो अपनी जान को बचाएंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे। तो ये हमारे पास आइए खरादी यूनानी मेडिसिन में, आप फ्री पहले टेस्ट कीजिए, काढ़ा बने हुआ है रेडी यहाँ पर, आप फ्री टेस्ट कीजिए, उसके बाद ले जाइए, अपने घर वालों को बचाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में बचाइए। मैं इतना कहते हुए, अच्छा तो आपको मालूम ही था खरादी यूनानी मेडिसिन में आपको तमाम मेडिसिनें मिलेंगे, लेकिन अब हम स्पेशल ये है ना हम घरेलू नुस्खा तैयार किए हैं, काढ़ा जो कोरोना के बचाव के लिए है, ये आपको मिलेगा। जो काढ़े की तारीफ़ की गई है, अब मेरे लिए मौजू नहीं है कि इतना बयान करूँ। जो हज़रत हारून भाई ने जो इस बारे में तफसीलात डिटेल आपको बातें बताई हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैंने भी अब प्रैक्टिकल किया हूँ, शायद इंशाल्लाह इसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद ये दवा साबित होगी, और ये फ़ायदेमंद है। लोग भी यहाँ पे आके कई लोग ले जा रहे हैं, और इसकी कीमत भी बिल्कुल कम है, जो हर आदमी के लिए बग़ैर तकलीफदा, यानी जिसमें हज़ारों सवाओं की बात नहीं बल्कि 20 रुपए की एक पैकेट है, जिसकी वजह से आदमी अपने जो है ना सेहत को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो आजकल हम और आप परेशान दो चार हैं इस हालत से, कोरोना की वजह से, तो इंशाल्लाह ये कोरोना बेअसर होगा। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने घर में ये जो है ना नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, ताकि अपने घर वाले इस जो है ना असरात से, कोरोना के असरात से महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खरादी यूनानी मेडिसिन इस वबा के दौर में लोगों की खिदमत करते आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अदवियात, जड़ी बूटियाँ वगैरह भी सप्लाई करते हैं होलसेल रिटेल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा के दौर में लोगों के फ़ायदे के लिए एक छोटा सा घरेलू नुस्खा, जो अपने किचन में तमाम चीज़ें रहती हैं वो घर में ही बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खरादी मेडिसिन, खरादी यूनानी मेडिसिन इसको ट्रायल के तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि ये छोटा सा नुस्खा घर में बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास लेना ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायल छोटा सा दे रहे हैं, लोगों को ऐसे भी पिला कर दे रहे हैं, और ये जो छोटा सा 10 आदमियों के लिए एक नुस्खा बता रहे हैं, उसमें 60 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम इलायची और 10 ग्राम कलौंजी, थोड़ी सी टेस्ट के लिए चाय पत्ती, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक और काली मिर्ची और लौंग और इलायची, थोड़ी सी एंटीबायोटिक हल्दी, और इसमें अदरक जो ख़ास तौर पे हमारे लिए मुफीद है इस वबा के दौर में। हम लोग थोड़ा सा एक ट्रायल ले रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं, आप लोग भी पीकर इसमें इस्तेफादा करें और जो है लोगों को भी इस्तेफादा की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केबीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, एमएएम पीयू कॉलेज एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल।